Welcome back to BBVN online channel. Today's subject EVS and today's our topic transport names. In previous class we have learned land transports and today we will learn water transports. बच्चों जो इससे पहले जो EVS की क्लास हुई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट्स के बारे में बताया था ना मैंने, जो वाहन लैंड पे चलते हैं, जो ट्रांसपोर्ट लैंड पे चलते हैं उनको हम बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट. और आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? वाटर ट्रांसपोर्ट्स. मैंने आपको ये भी बताया था हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नेम्स. और ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के. कौन कौन से? लैंड ट्रांसपोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट्स और एयर ट्रांसपोर्ट्स. जिसमें से मैंने आपको इससे पहले की क्लास में क्या बताया था बच्चों? लैंड ट्रांसपोर्ट्स के बारे में. लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था ना, कौन जो साधन लैंड में चलते हैं, हमें कहीं भी आना हो जाना हो तो हम किसके थ्रू जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जो लैंड पे चलते हैं. ठीक है ना? और आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? उसी में से ट्रांसपोर्ट में कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे? वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट बताने से पहले मैं आपको लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में एक बार फिर से रिविजन करवा देती हूँ, एक बार फिर से इनको रिपीट करवा देती हूँ कि कौन कौन से होते हैं. अगर आपने अभी तक लर्न नहीं किया है लैंड ट्रांसपोर्ट के नेम को तो इस वीडियो के थ्रू भी आप इसको लर्न कर लेना. तो लैंड ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं? बस, सॉरी कार. कार भी होती है, कार होती है ना. और क्या बताया था मैंने? बस. और क्या बताया था? ट्रेन, स्कूटर, जीप, मेट्रो, मेट्रो ट्रेन, मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटर एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये सब कौन से ट्रांसपोर्ट हो गए बच्चों? लैंड ट्रांसपोर्ट. आई होप कि अब आप इनको अच्छे से लर्न कर लोगे. आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? ट्रांसपोर्ट में ही कौन से ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे? वाटर ट्रांसपोर्ट. ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं? जो वाटर में चलते हैं, मीन्स जो पानी में चलते हैं. जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट लैंड पे चलते हैं, जैसे हमें कहीं सड़क पे चलते हैं, अगर हमें कहीं जाना हो, स्कूल जाना हो, मार्केट जाना हो तो हम उन ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं. तो उनको जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, तो हम उनको लैंड ट्रांसपोर्ट बोलेंगे. वैसे ही अगर हमें पानी में कहीं जाना हो या पानी की सैर करनी हो तो हम वो कौन से ट्रांसपोर्ट के थ्रू करेंगे? वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू. समझ में आया ना आपको? जैसे आपने देखा होगा कि हम बहुत बार बहुत जगह हम घूमने जाते हैं, वहां नदी होती है, नदी में हमारी घूमने का मन करता है. तो नदी में आप बस और ऑटो से तो जा नहीं सकते, तो नदी में घूमने के लिए भी कुछ ट्रांसपोर्ट बने होते हैं जो केवल नदी में पानी होता है और वो केवल पानी में ही चलते हैं. तो हम उनको क्या बोलते हैं बच्चों? वाटर ट्रांसपोर्ट. तो वाटर ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आ गया ना? जो ट्रांसपोर्ट पानी में चलता है हम उनको बोलेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट. तो पानी में कौन कौन से चलते हैं मैं आपको उनके नेम बता रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुना. एक तो आपको मालूम ही है एस फोर क्या होती है? शिप. अब ये देखो, ये आपको शिप की पिक्चर दिख रही है ना, और ये पानी में चलती है ना, दिख रहा है इसके अंदर पानी. तो ये एक और एक नाम क्या हो गया वाटर ट्रांसपोर्ट का? शिप. तो शिप की स्पेलिंग क्या होती है? एस एच आई पी, शिप. शिप पानी में चलती है तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट है. नेक्स्ट सुनो, अब ये देखो ये की पिक्चर किसकी दिख रही है आपको? बोट. बोट में भी तो आप पानी में घूम सकते हो ना, और ये भी पानी में चलती है तो ये भी वाटर ट्रांसपोर्ट हो गई ना. तो इसकी स्पेलिंग देखो, बी ओ ए टी, बोट. ठीक है, बोट की पिक्चर समझ में आ गई ना आपको. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सी है? सबमरीन. सबमरीन, इसको हम सबमरीन भी बोल सकते हैं. एस यू बी, एस यू बी एम ए आर आई एन ई, सबमरीन. ये भी एक वाटर ट्रांसपोर्ट है और ये भी कहां चलती है? पानी में चलती है. ओके, तो आपको इसका नेम लर्न करना है. वाटर ट्रांसपोर्ट के जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट के नेम लर्न किए, वैसे आपको वाटर ट्रांसपोर्ट के नेम भी लर्न होने चाहिए. ठीक है, सबमरीन की पिक्चर देखी ना आप लोगों ने?
फिर नेक्स्ट देखो यार्ड, यार्ड की पिक्चर देखी है ना आपने, वाइफ और यार्ड भी तो होता है, जैसे एस फॉर शिप होता है वैसे वाइफ और यार्ड होता है, और ये यार्ड भी कहाँ चलती है, पानी में चलती है, तो ये भी क्या हो गई, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गई, समझ में आ गई ना इसकी पिक्चर आपको। तो अब यार्ड की स्पेलिंग देखो, वाई ए सी एच टी, वाई ए सी एच टी या ओके बच्चों। तो मैंने आपको वाटर ट्रांसपोर्ट की मेन्स जो है बताया है, एक बार फिर से सुन लो कौन कौन से होते हैं, शिप होती है ठीक है, बोट होती है ना, फिर है सबमरीन होती है, फिर होती है यार्ड, ये चारों कहाँ चलती हैं, पानी में, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इनके अलावा और भी बहुत से होते हैं, जैसे क्रूज होते हैं पानी में, बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं वो भी वाटर ट्रांसपोर्ट में आते हैं, सेल बोट होती है वो भी वाटर ट्रांसपोर्ट में आती है, स्पीड बोट होती है वो भी, और फेरी, ये सब क्या होते हैं बच्चों, हमें अगर कहीं पानी के थ्रू हमें कहीं जाना हो तो हम इन ट्रांसपोर्ट को लेके पानी की सैर कर सकते हैं, या पानी के थ्रू हमें कहीं जाना हो या कोई सामान भेजना हो तो वो इन ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम भेज सकते हैं। आपको समझ में आ गया ना वाटर ट्रांसपोर्ट। मैं आपको इससे नेक्स्ट जो क्लास होगी तब मैं आपको फिर से वाटर ट्रांसपोर्ट के नेम जो है रिपीट कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, तब तक आप लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट के दोनों के नेम अच्छे से लर्न करोगे। अगर आपसे वन वन स्पेलिंग लर्न होती है तो इसके भी वन स्पेलिंग लर्न करना, लैंड ट्रांसपोर्ट में से भी, और वन स्पेलिंग जो आपको इसमें भी लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट, स्टे होम स्टे सेफ एंड थैंक यू।